हाँ जी दोस्तों, आज मैं अपनी बेगम साहिबा के आया हूँ लॉटन विलेज मिल्टन कीन्स में, इंग्लैंड के बकिंगम शहर में। तो आज मेरे विचार है कि आपको मैं लॉटन विलेज इसकी सैर कराऊं, और मैं मेरी कोशिश रहेगी मैं बोलूँगा कम, आपको दिखाऊंगा ज़्यादा। और ये जो मेरे पीछे है पुराना सा घर है, ये मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ कैमरा, और यह है कि ये जो पीछे इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ये चर्च है। जैसे मिल्टन कीन्स में एक सेंट मैरी चर्च है और दूसरा ये लॉटन का चर्च है। इसके इर्द गिर्द ये जो लोकेलिटी जो थी ये डेवलप हुई थी। तो ये पुराने गांव का घर है ये, बाकी तो ये जो है मिल्टन कीन्स काफ़ी हाईटेक है, बहुत बड़ी एडवांस सिटी है, लेकिन ये इन्होंने इस गांव के जो रूरल एनवायरमेंट इसे मेंटेन किया हुआ है। तो इसकी मैं आज आपको सैर कराऊंगा, आइए मेरे साथ। इधर आ जाओ, इधर वापस। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी लॉटन विलेज के अंदर, और मैं दिखाऊंगा आपको पुराने ही घर। और लेकिन जैसे दिल्ली में पुराने गांवों के इर्द गिर्द बड़े बड़े लोकेलिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे पीतमपुरा के साथ है, जमरूदपुर के साथ ग्रेटर कैलाश बना हुआ है, और भी बड़ी सारी लोकेलिटीज़ हैं, लेकिन ये जब मिल्टन कीन्स में ये लॉटन विलेज इसके साथ बाद में डिवेलप की गई थी कॉलोनी, तो ये मैं आज भी आपको ये लॉटन विलेज के दर्शन करा रहा हूँ। पुराने घर हैं, और जैसे मैंने पहले बोला था ना कि ये काउंसिल का रूल है कि जो पुराने घर हैं उनको बाहर से नहीं चेंज करने देते, मतलब रिपेयर तो करते होंगे लेकिन जो बेसिक स्टाइल है उसे ये चेंज नहीं करने देते। ये देखो, ये है जी पुराना गाँव, और ये लिखा हुआ है लॉटन वैली पार्क, जहाँ मैं अभी वॉक करके आया था दो तीन दिन पहले। और ये है जी पुराना घर लॉटन विलेज में। ये साथ में स्कूल है लॉटन वैली पार्क, ये लगता है फुटबॉल की टीम जा रही है। इधर आ जाओ, ये एक और पुराना घर है जी ये वाला, जैसे मैंने बोला इन्होंने इसका स्टाइल नहीं चेंज करने दिया इसका। ये हमारी मेम साहब बैठ गई, लगता है थक गई है, चलना नहीं अगे, तुसी बैठो मैं थोड़ा चक्कर लगा के आ रहा, ठीक है। ये मैं अपनी मैडम को थोड़ा पीछे बिठा के ये घर को आपको दिखाने के लिए थोड़ा आगे जा रहा हूँ। ये लगता है कि बरसात का पानी के जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ इन्होंने। तो मैं ये जो गांव का पुराना घर नज़र आ रहा है इसको मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोगों में ये खासियत है कि इसको मेंटेन बहुत बढ़िया करके रखते हैं, जैसे ये घास काट रहे हुए है, और मेरी तो इसके ऊपर जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। दिल्ली में होता तो मैं तो इसके ऊपर डनाटन चल पड़ता, लेकिन मैं घूम के ही जाऊँगा। ये मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ जी, ये मैं आपको ये लॉटन विलेज का जो पुराना घर है इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्होंने क्या बना रखा है भाई, ये मुझे पता नहीं चल रहा। और ये है जी गांव के नज़ारे आसपास, और ये जो मैं आगे चल के देखता हूँ उस पर क्या लिखा है, और ये मेरी मैडम बैठ गई है वहाँ पीछे, तो मैं अभी जाऊँगा वहाँ, नहीं जाता भाई, ये थोड़ा बुरा मान जाते हैं। और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पुराना गांव का घर जो है ये किस तरीके का लगता है। ये गैरेज है, पुरानी इन्होंने ट्रेडिशन को पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है। अंदर तो जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, तो अंदर नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर से ही आपको ये बड़े से प्यारे से सुंदर से घर को, लॉटन विलेज के घर के मैं आपको व्यूज़ दिखला रहा हूँ। थोड़ा
वाह, ये ना आजकल ये बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर चला हुआ है, ये देखो दो बच्चे जो है इसके ऊपर जा रहे हैं। जब मैं पहले आता था तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं होते थे और तीन बैठ गए इसके ऊपर। अब इसके बाद मैं ये जो रोड क्रॉस करके ये जो चर्च है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये वापस आना पड़ा है मुझे, पर मैं एक सर्कुलर रूट आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। ये यहाँ से हम अब आए हैं। वाह जी वाह, इंग्लैंड की सैर कर रहे हैं, इंग्लैंड के गांवों की। ये जो पूरी खुली जगह छोड़ी हुई है चर्च के पास, तो ये बिल्कुल गांव का माहौल अभी भी मेंटेन किया हुआ है। रोड का नाम है लेज रोड, नज़र नहीं आ रहा, सामने सूरज है ना, ये लेज रोड है और लीज रोड बोलते होंगे शायद। और ये भैया यहाँ जो है इस टाइम जो है जो सामान डिलीवर करने वाले ही ज़्यादा नज़र आते हैं। पति पत्नी सैर कर रहे हैं इंग्लैंड के गांवों की। बहुत शानदार जगह है ये, और मज़े की बात ये है कि इसके जस्ट अक्रॉस 50 गए दूरी जो बाद में जो मकान बने होंगे या शहर डेवलप किया था वे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है। और लेकिन इन्होंने ये जो गांव का जो माहौल है या एनवायरनमेंट है उसे नहीं चेंज करने दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गांवों के घर यहाँ ज़्यादा महंगे होते हैं शहरों के मुकाबले में, अदरा पुल पर बने हैं। ये जो है गांव है और इसके आगे भैया ये जो करोड़ों करोड़ों की कारें रखी हुई हैं इन्होंने। और ये पुल है, इसके नीचे जो है पानी है वे। चलो है दसवां बात, ये जो है एक सर्कल सा पाथ मैंने बनाने की कोशिश की है, पीछे छोड़ आया हूँ। और अब ये जो पुराने घर हैं ये भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर इधर इधर, हाँ हाँ, ये है जी स्कूल लेन। पहले आए थे हम लीज रोड के ऊपर, ये अब मैं आगे से चर्च में जाने की कोशिश करता हूँ। क्या जबरदस्त जगह है यार ये, पब्लिक फुटपाथ। ये भैया मैं आपको पूरा लाउटर विलेज का एक चक्कर दिखला रहा हूँ आपको, प्राइवेट पैडॉक। ये थोड़ी ना चढ़ाई है, ये आजो आजो आजो, हाँ हाँ, चलो मजे नहीं आए लौटन विलेज जी सैर करके। वो चल रहे हैं, थकते नहीं गए, बाहर जाके रोंदे लाएंगे तो कोई गल नहीं, लेकिन लौटन विलेज सैर तो कर ली है। बोलो ना यार, नहीं बोलना, हाँ हाँ हाँ। ये जो हम अपना लौटन विलेज का जो वॉक है ये हम यहाँ पे फिनिश करेंगे जी। ये है लाउटन का चर्च, अंदर चलते हैं देखते हैं अगर हिस्ट्री कुछ पता चल जाए तो, लेकिन हिस्ट्री पता चले या ना चले, लेकिन वॉक करके पुराने घरों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। चलते हैं अंदर है। इतने अगर पैदल रस्ता है इधरों चल पहले अंदर, चीज बड़ी शानदार लग रही है, क्या है तो सही है, उधरों जावांगे ना।
एक बार ही आया हाँ तेरी जा। दोस्तों आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं और मुझे लगता है कि दो और एपिसोड बनेंगे इस एक बहुत ही शानदार जगह के जो कि राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच।